हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCS क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बीएड सीजन 19-23 का। चार वर्षीय बीएड कोर्स यानी कि 19-23 का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो NOU यानी कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने भी शेड्यूल जो है जारी कर दिया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियली है। और यहाँ पर 15 सितंबर को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसके बाद 26 अगस्त से आवेदन स्टार्ट होगा, यानी कि परसों से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि बिहार डीएलएड बीएड से संबंधित आप पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे वो रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। तो आइए देख लेते पूरी जानकारी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए प्रभात खबर आज का मैंने डाउनलोड कर रखा है, पटना का है, 24 अगस्त 2019 का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पेपर के माध्यम में कुछ जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं वेबसाइट पर, देख लेते हैं पूरी जानकारी को। तो इसे स्क्रॉल करके नीचे चले आने होंगे, इस तरह स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, इस तरह नीचे चले आना होगा स्क्रॉल डाउन करके। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ राइट साइड में, यहाँ पर सबसे पहली बात ऊपर में ही देख लीजिए हेडिंग में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने जारी किया शेड्यूल, चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कंबाइंड एंट्रेंस बीएड एंट्रेंस टेस्ट 15 सितंबर को 26 से ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर चार वर्षीय बीएड, देखिए चार वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड के लिए राज्य स्तरीय कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट CET बीएड 15 सितंबर को होगी। 25 अगस्त को इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। 26 अगस्त से छात्र ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, वहीं 1 सितंबर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी। 15 सितंबर को कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए परीक्षा के बाद 20 सितंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद 23 सितंबर से को काउंसलिंग होगी। 27 से 28 अगस्त नामांकन की तिथि है। 30 सितंबर से क्लास शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारा शेड्यूल दे दिया गया। इंटर के बाद चार वर्षीय स्नातक बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकेंगे छात्र। यह चार वर्षीय स्नातक बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, जिसमें इंटर उत्तीर्ण छात्र आवेदन कर सकते हैं। जो इंटर पास है वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें स्नातक और बीएड एक साथ मान्य होगा। इससे छात्रों को यह फायदा होगा कि स्नातक के बाद दो वर्षीय कोर्स करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और छात्रों का एक वर्ष का समय बचेगा। वर्तमान में पाँच कॉलेज ने NOU को अपनी मान्यता संबंधी दस्तावेज भेजे हैं। फिलहाल इनमें 500 सीटें हैं, लेकिन अभी तय अन्य सभी विद्यालयों से कॉलेजों की लिस्ट मंगाई गई है। तो फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं, फिर उसके बाद कुल सीटों और कॉलेजों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित होगी। अभी नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही आएगा तो उसका भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूंगा। NCTE से चार वर्षीय कोर्स की मान्यता प्राप्त कॉलेजों में इसके तहत नामांकन होगा। जब सभी कॉलेजों की सूची आ जाएगी तो कुल सीटों और कॉलेजों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी, साथ ही आपत्ति भी मांगी जाएगी। फाइनल सूची के अंतर्गत टेस्ट का संचालन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं CET BEd के नामांकन जैसी होगी प्रक्रिया। तो जैसे जो है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट बीएड का जो हुआ था CET बीएड का, उसी तरह एकदम सेम प्रक्रिया होगा। यहाँ पर 120 प्रश्न होंगे जो कि जनरल अवेयरनेस के जो है 45 अंकों का होगा। और उसके बाद आरक्षित वर्ग के लिए, जनरल के लिए 45 अंक जो है अनिवार्य होगा लाना, और उसके बाद 40 अंक जो है आरक्षित वर्ग के लिए क्वालिफाइंग होंगे। इसके बाद यहाँ पर सारा चीज़ जो है देख सकते हैं, बायोमेट्रिक होगी, यहाँ परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। ये सारा चीज़ मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है, तो इसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जिन कॉलेजों को NCTE और विश्वविद्यालय से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स चलाने की मान्यता होगी, उनके लिए ही उक्त परीक्षा होगी। जिनके पास मान्यता नहीं होगी, वैसे कॉलेज को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अगर कोई कॉलेज बिना उक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल नामांकन लेते हैं तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए SP सिन्हा नोडल ऑफिसर का ये कहना हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो है, अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली और वेबसाइट पर देख लेते हैं जानकारी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए NOU के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं CET BEd इंटीग्रेटेड नोटिफिकेशन। इसे आपको क्या करना होगा, डाउनलोड कर लेना होगा। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर देखिए जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ है। यहाँ पर देखिए पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर CET इंटर जो है इंटर
के बाद जो है बीएड करेंगे, जिसमें बीए बीएससी दोनों साथ होगा, तो बीए बीएससी और बीएड भी साथ होगा। तो उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए 25/8/2019 को एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 26/8/2019 से 1/9/2019 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 25/9/2019, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 20/9/2019, सॉरी 15 को एग्ज़ाम होगा, 15 सितंबर को, और उसके बाद जो है 20 सितंबर को आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद कमेंसमेंट एंड कॉम्पलेशन ऑफ काउंसलिंग जो होगी 23/9/2019 को होगी। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आफ्टर काउंसलिंग, काउंसलिंग के बाद जो है लास्ट डेट एडमिशन का जो है 28/9/2019 होगा। और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सीजन जो स्टार्ट हो जाएगा 30/9/2019 से। तो ये आपका ऑफिशियल है, देख सकते हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इसका वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो इसे आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।